श्यामलाल कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हैं, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सनु जी, क्या मांग है, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन? देखिए, हमारी मांग ये है कि वंचित तबका है उसको 97 से रिजर्वेशन मिला है और उस रिजर्वेशन पॉलिसी को कभी ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 2013 में, मतलब 2013 के अंदर पहली बार जो है 200 पॉइंट, इवन अगर आप फाइनल जजमेंट पे जाएंगे, जब रिजर्वेशन पॉलिसी को पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया था दिल्ली विश्वविद्यालय में, उस समय जो रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने कहा था, कोर्ट ने कहा था, वो था 200 पॉइंट। 200 पॉइंट को इन लोगों ने एक हाथ में झुनझुना थमाते हुए, क्योंकि हमें रिजर्वेशन लागू करना है, किसी को जानकारी नहीं है, तो इन्होंने 200 पॉइंट की जगह इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर दिया, जो किसी भी तरह से जो जजमेंट आया था रिजर्वेशन के फेवर में उसमें ये कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन 2013 में इसको गवर्नमेंट से फंडिंग रोका गया और तमाम चीज़ों के बाद इसको लागू किया गया, और ये ढंग से लागू ही नहीं हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर से इसको डिपार्टमेंट वाइज लागू किया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग हैं, जो एक हमारा परसेंटेज है 27%, 15%, 7.5%, वो कभी फुलफिल नहीं होगा। वो एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा प्रोविजन है उससे हम बहुत नीचे चले जाएंगे, और ये डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर आएगा। खुद मैं लाइजन ऑफिसर रहा हूँ कॉलेज के अंदर, और मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है इस रोस्टर को डिपार्टमेंट वाइज, तो ये आंकड़ा किसी कीमत पे 30-31% से आगे नहीं जाएगा, मतलब 50 तो संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल। सर, ये जो 5 तारीख का, जो 5 मार्च का जो एक लेटर आया है देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा जो पूरा मांग था वो था 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। विश्वविद्यालय के अंदर जो वंचित तबका है वो था ही नहीं उस समय। जब धीरे धीरे वंचित तबका के लोग आए, उन्होंने कोर्ट के जजमेंट को पढ़ना शुरू किया, तब उनको पता चला कि हमारे साथ धोखा किया गया है। हमारा जो रोस्टर मिला था हमें बनाने के लिए वो था 200 पॉइंट, लेकिन उस समय भी जो भी विश्वविद्यालय के अंदर जिनके हाथ में कमान थी उन्होंने उसको मैनुपलेट करके डिपार्टमेंट वाइज दे दिया। जब उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज दे दिया, फिर हम लोग संघर्ष करते रहे, हमारे और पुराने साथी संघर्ष करते रहे, और फाइनली हम उनको अचीव कर पाए 2013 के अंदर, वो भी पूरी तरह से नहीं। लेकिन ये चीज़ें हुई नहीं, और फिर से डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर की वो बात करने लगे, जो 97 के सबरवाल केस में कहीं मेंशन नहीं है, डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर का कोई जिक्र ही नहीं है। और इस बार भी जो चीज़ें आई हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का देखेंगे तो उसमें भी ये 13 पॉइंट का वो बात ही नहीं कर रहा है, वो डिपार्टमेंट वाइज कर रहा है। तो डिपार्टमेंट में जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वहाँ जो छोटे डिपार्टमेंट है, मान ले कोई दो लोग ही हैं, तो वहाँ पे OBC को आने में कम से कम 20 वर्ष लगेंगे, रिटायरमेंट के बाद 40 वर्ष भी लग सकते हैं, SC ST को तो पता नहीं कितने 60 वर्ष 100 वर्ष लगेंगे, ठीक है। तो ये है कि जो हमें चीज़ें इमीडिएट मिलना चाहिए था उसके लिए हमें 40 साल 100 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, अभी बातें करने के लिए तो बहुत की जाती है, गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं है जो इस चीज़ को प्रमाणित कर सके। आप पहले सर्वे कराइए, उस पर फिर कमेंट दीजिए, बिना सर्वे का कोई कमेंट नहीं होता है। तो कोई भी ऐसा सर्वे नहीं, इवन मैं बता रहा हूँ आपका, क्योंकि जब आप इस तरह के सवाल करते हैं, ठीक है, तो आप पहले उस वंचित तबका के टीचर के पास जाएं कि वो कितना संघर्ष करके आते हैं। वो परिजीवी नहीं होते हैं, वो दूसरे के पल पर नहीं आते हैं। इस विद्यालय आप देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन आ गया है। मैं बहुतों को जानता हूं जो बड़े बड़े मतलब राजनीति करते हैं, जो सामाजिक न्याय के भी कुछ फोकॉल नेता माने जाते हैं, कुछ लेफ्ट से जुड़े हुए हैं, अपने बच्चे को इंग्लैंड पढ़ाते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, डोनेशन से देकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। जो वंचित तबका का जो बच्चा है वो कम से कम मेहनत करके तो जा रहा है, वो डोनेशन से नहीं जा रहा है, उसमें भी वो ज़्यादा मेरिटोरियस होता है। और क्योंकि हम जो ये तबका वो परिजीवी नहीं है, मेहनत करके आया शुरू से, और वो जाता है वहाँ भी मेहनत करता है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो सवाल है ये अपने आप में एक मतलब एक सवाल को सवाल पैदा करता है, कि बिना आप किसी सर्वे का इस तरह का आरोप लगाना बेबुनियाद। डॉक्टर सनोज जी, आपको सब तरफ से रोका जा रहा है, आपको PhD करते हैं या MPhil करते हैं, आपको इंक्रीमेंट वगैरह दिया जाता था, आज वो इंक्रीमेंट वगैरह भी सब शायद ख़त्म कर दिया गया है। देखिए, सरकार का सीधा सीधा हमला है मजदूर तबका पे, वंचित समाज के लोगों पे, जिसमें दलित, OBC, SC ST कुछ भी कह सकते हैं, वो हर तबका जिसकी पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी पढ़ना शुरू किया है। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप उस मकाम पे पहुंचते हैं,
और जो पहले के लोग जिन्होंने इंक्रीमेंट भी लिया, तमाम प्रमोशन आसानी से लिया, अब जो वंचित तबका के लोग उस जगह पे पहुंच रहे हैं जहां पे उनको इनका फ़ायदा मिलना है, तो सरकार ने इस फायदे को रोक दिया। मतलब सीधा सीधा ये नहीं चाहते हैं कि ये तबका पढ़े और हमसे सवाल करे, ये चाहते हैं कि ये पुरातन व्यवस्था में जो गुलामी व्यवस्था थी उसी को कैरी फॉरवर्ड करते रहिए, उसी तरह से रहें।